किसान हो रहे जागरूक तो कई गुना हो रही आय। खेती के नए तरीकों को अपनाता किसान। पॉलीहाउस तकनीक से किसान हो रहे मालामाल। सरकार भी दे रही सहयोग तो किसान हो रहे जागरूक। समय के साथ खेती को लाभदायक बनाने के लिए खेती के तरीके बदल गए हैं। पॉलीहाउस खेती कृषि का एक नवाचार है, जहां किसान जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करके उपयुक्त वातावरण में अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। ये ज्ञानवर्धक तरीका किसानों को कई लाभ निकालने में मदद करता है। लोग पॉलीहाउस खेती में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है और पारंपरिक खुली खेती की तुलना में इसके जोखिम बहुत कम हैं। साथ ही यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसान पूरे वर्ष फसल उगा सकते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाना एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए साल भर फसल उगाना जरूरी है। ऐसे में हरियाणा के काफी किसानों ने न सिर्फ पॉलीहाउस की तकनीक को अपनाया, बल्कि आज के समय में अपनी आय को कई गुना बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान है सोनीपत के मनौली गांव के प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार। ये अपने 2 एकड़ के पॉलीहाउस में अलग अलग सब्जियां उगा रहे हैं और आज लाखों कमा रहे हैं। दिनेश कुमार ने फिलहाल कुकर लगाए हैं। साथ ही उन्होंने डिटेल में बताया कि पॉलीहाउस को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से गलत हैं। इसे समझने की जरूरत है और ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। वास्तव में ये एग्रीकल्चर की बड़ी हायर टेक्नोलॉजी है और इसको समझना बड़ा जरूरी था। कारण कोई बड़े नहीं है फेल्योरिटी के कारण इसलिए बने हुए हैं कि किसान ने इसके एग्रोनॉमी को या इसके ज्ञान को लिया नहीं और वो तुरंत जो है ना जल्दी करके इसके अंदर आ गए। अभी आप मेरे पॉली हाउस के अंदर खड़े हैं, मैंने इसमें सीडलेस कुकुम्बर लगाया हुआ है, जो एक सर्दियों में मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें से फसल लेने की, और मेरी फसल चल भी पड़ी है बहुत अच्छे से, आप देख भी रहे हो। अभी पॉली हाउस में ये टेक्नोलॉजी 100% फेल नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया है या हरियाणा में जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले लगाने वालों में मैं था पॉली हाउस, और मैंने इसकी एग्रोनॉमी को अच्छे से सीख के और तब मैं इसमें इस क्षेत्र में आया। कुछ समय हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें लगा कि भाई बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है और इसमें हम उतना नहीं कर पाएंगे और पैसा ज़्यादा लग रहा है और इनकम कम है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल बाद जैसे ही हमने इसके जो चैलेंज थे उनको देखा, उनको सॉर्ट आउट किया और इसके साथ काम करना शुरू किया, तो हमें उनमें सफलता मिलने लगी और इतनी बड़ी सफलता मिलने लगी कि भाई अगर आंकड़ों की बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए आप इसमें कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ एक किसान होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 95% लोग इसमें फेल जा रहे हैं, उनको यकीन ही नहीं हो पा रहा कि भाई इसमें इतना संभव है। उसका एक कारण है कि भाई एक तो इसकी साइंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसकी साइंस समझे बगैर एक आम खेती या आम पैटर्न से इसमें काम कर रहे हो तो आप इसमें बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पाएंगे। उसका कारण है कि एक तो बीजों का सिलेक्शन, एक इसके अंदर जो बीमारियां हैं, अभी आप बात करें पूरी दुनिया निमेटोड से बड़ी ग्रस्त है, हमारे यहाँ भी निमेटोड आया और उसने फसलों को बर्बाद भी किया। हमें भी लगा कि भाई पॉली हाउसों को बंद कर देना चाहिए, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन हमने धीरे धीरे खोजते खोजते उसके भी हमने ऑर्गेनिक उपाय ढूंढे और आज हम फिर दोबारा जो है ना बड़े सफलतापूर्वक फसलों को लेने लग रहे हैं। गैप कहाँ है? गैप एक सफल और असफल किसान में केवल थोड़े से ज्ञान का है। वो क्या हो रहा है कि उसको मास्टर बनने की बजाय एक स्टूडेंट बन के अगर इसको सीखे ना, तो इसके जितने चैलेंज है कुछ नहीं, जो छोटे छोटे चैलेंज हैं उनको सॉर्ट आउट करना है और उनके सॉल्यूशन निकालना है। हमने उन्हीं चीज़ों को किया, प्रैक्टिकल करके देखा और हम सफल हो गए। अब सच्चाई ये है कि पिछली बार मैंने कैप्सिकम भी लिया था, मैंने 15 लाख रुपये एकड़ का कैप्सिकम भी बेचा, मैंने 6-7 लाख रुपये एकड़ का उसके बाद कुकुम्बर बेचा और फिर एक क्रॉप मैंने कुकुम्बर की लगा ली और उससे पहले भी हमने कलर कैप्सिकम और एक पॉली हाउस में मैंने खरबूजा भी लगाया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी फेल है या फेल हो रही? कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, ज्ञान की कमी है। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी फेल है तो मेरे से आप मिल सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्टों के साथ काम कर रहा हूं
और मैंने यही सीखा है कि भाई इसमें आप अगर डबल इनकम लेनी है प्रति एकड़, एक किसान को बिजनेसमैन बनना है, सूटेड बूटेड होके आना है, खेत में गाड़ी लेके आना है, तो ये संभव केवल और केवल पॉली हाउस कल्चर से हो सकता है, और ओपन में उतना संभव ये नहीं है। तो आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाइए, और किसानों को मैं ये इंस्पायर भी कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं अज्ञान में या पैसा सुन के या स्ट्रक्चर के बारे में सुन के या ये सोच के कि पड़ोसी के पॉली हाउस में तो लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है इसलिए पॉली हाउस लगा रहा है, तो उस चक्कर में तो बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि इस जो ट्रेनिंग लेके इस काम को कर रहा है और उन जो सफल किसानों से जो मिलके काम कर रहा है वो 100% सफल होगा। और बाकी सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। इसी से प्रेरित होकर यमुनानगर के चमरौड़ी गांव के प्रगतिशील किसान विजय कंबोज भी पॉलीहाउस की खेती कर रहे हैं। साल 2019 से पॉलीहाउस लगाकर तरह तरह की खेती कर रहा है। किसान ने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती करते थे, लेकिन 2019 में वो अपने भाई से प्रभावित हुए और उन्होंने बागवानी विभाग से संपर्क किया, जिसके बाद घरौंडा में उन्होंने ट्रेनिंग ली और एक एकड़ में पॉलीहाउस लगाया। किसान ने बताया कि पॉली हाउस के लिए सरकार की तरफ से उन्हें 65% अनुदान मिला, और जब उन्होंने पॉली हाउस में खेती शुरू की तो उन्हें पता लगा कि इसमें कम खाद और कम पानी देकर ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान विजय ने बताया कि पॉली हाउस में किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मौसम के विपरीत भी तापमान को किया जा सकता है। किसान इन दिनों रंगीन शिमला मिर्च और खीरे की खेती कर रहे हैं। विजय का कहना है कि एक तरफ परंपरागत खेती करते हुए उनके खेतों की उपजाऊ शक्ति काफी कम हो रही थी, तो वहीं उसमें पानी का भी ज्यादा उपयोग हो रहा था, लेकिन इसके माध्यम से सभी चीजों की बचत हो रही है और सरकार का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। ये खेती मैंने 2019 में शुरू की और मेरे बड़े भाई से मुझको ये प्रेरणा मिली। मैं पहले ओपन में खेती कर रहा था तो उसमें मुझे कोई खास लाभ नहीं हो रहा था, तो बड़े भाई ने मेरे को मोटिव किया और घरौंडा जाके मैंने ट्रेनिंग ली इसकी, और वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैंने अपना प्लाट लगाया और उससे मुझे अच्छी प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद मैंने दूसरा प्लाट भी लगाया, मेरे पास अब 2 प्लाट हैं और मुझे अच्छी इनकम हो रही है, और पानी की भी इसमें काफ़ी बचत है, पानी भी बहुत कम लगता है। इसके अंदर हम कलर शिमला मिर्च उगाते हैं जो लाल और पीली होती है और जो अच्छे दाम में बिकती है, और हम उसको दिल्ली और चंडीगढ़ मंडी में बेचते हैं, वहां से हमें अच्छे दाम मिलते हैं उसके। फूलों की खेती में भी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उसके हमारे मार्केट का ज्यादा दूर है तो हमें उसको ले जाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसको एसी गाड़ी में ले जा सकते हैं और ऐसे हम इतनी दूर ले जाने में वो फूल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसकी खेती नहीं कर पाते। हाँ, सरकार ने हमारा काफी सहयोग किया, प्लांट हमें सिर्फ मतलब अपना 35% शेयर दिया और 65% शेयर जो है गवर्नमेंट ने दिया, और जिससे हमें आसानी से हम अपना प्लाट लगा सकते हैं। हाँ, सीड काफ़ी महंगा है पॉली हाउस का जो है, और उसकी जो है गवर्नमेंट सीडलिंग पे सब्सिडी दे रही है। मेरे अब 2 एकड़ में मेरे प्लाट लगे हुए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ओपन खेती बजाय प्रोटेटिव खेती में आए, जिससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। काफी अच्छा योगदान है, वो हमें समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं और जो कोई हमें दिक्कत होती है उसका मतलब वो निदान करते हैं। पॉली हाउस खेती उपयुक्त समस्या का समाधान है। पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस सब्सिडी सहित कई कदम उठाए गए हैं। यह सब्सिडी लेकर किसानों को अपनी जेब से काफी कम पैसे देने पड़ रहे हैं। कई ग्रामीण बैंक पॉली हाउस सब्सिडी और ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। संक्षेप में पॉली हाउस सब्सिडी किसानों को पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने और पारंपरिक खुली खेती से जुड़े भारी नुकसान से किसानों को बचाने के लिए दी जाने वाली मौद्रिक सहायता है। हरियाणा के बागवानी विभाग की तरफ से मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत किसानों को कम दाम में ज्यादा मुनाफे देने वाली खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। फिलहाल पॉली हाउस खेती की अगर बात करें तो इसमें शुरुआत में तो मेहनत जरूर लगती है, लेकिन उसके बाद आपकी आय भी इतनी बढ़ जाती है जिसकी कभी आपने कल्पना भी ना की होगी।